इस साल यानी 2024 में दुनिया भर में 88 से ज्यादा देशों में आम चुनाव होने वाले हैं। इनमें कई देशों में हो भी चुके हैं। भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी चुनाव हो चुके हैं। भारत के पुराने सहयोगी देश रूस में भी कल राष्ट्रपति के चुनाव हुए और नतीजे आ गए। व्लादिमीर पुतिन पांचवी बार रूस के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। पुतिन के सामने खड़े तीनों उम्मीदवारों को पुतिन ने भारी अंतर से मात दे दी है। शुरुआती रुझानों के मुताबिक पुतिन को करीब 88% वोट मिले हैं। पुतिन को पिछले 25 सालों से कोई नहीं हरा पाया है। जिसने भी रूस में पुतिन के खिलाफ आवाज उठाई है उसको भयंकर सजा का भी सामना करना पड़ा है। रूस के चुनाव में धांधली के आरोप लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार पुतिन प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। दुनिया ही नहीं, रूस के अंदर भी कई लोग खुलकर चुनाव में धांधली के खिलाफ बोल रहे हैं। रूस के प्रमुख विपक्ष नेता अलेक्सी नवलनी के खास सहयोगी ने अब चुनाव परिणामों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बार रूस में राष्ट्रपति पद के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के लियोनिद स्लटस्की, कम्युनिस्ट पार्टी के निकोलाई खारितोनोव, न्यू पीपल पार्टी के व्लादिस्लाव दावान कोव और निवर्तमान राष्ट्रपति और स्वतंत्र उम्मीदवार व्लादिमीर पुतिन। आपको बता दें कि रूस पर पिछले 24 सालों से व्लादिमीर पुतिन का शासन रहा है, इसलिए इस बार भी उनका चुनाव जीतना तय था। पुतिन रूस की सत्ता की बागडोर को अपने हाथों से छोड़ना नहीं चाहते। यही वजह है कि उनके ज्यादातर विरोधी या तो जेल में हैं या तो उन्हें विदेश में जाकर शरण लेनी पड़ी है। इस चुनाव को लेकर काफी प्रदर्शन भी हुए। वहीं पश्चिमी देशों ने इस चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए ये चुनाव ना तो स्वतंत्र थे ना ही निष्पक्ष। जर्मनी ने इस चुनाव को सेंसरशिप का दमन और हिंसा के बीच का शद्म चुनाव कहा है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरून ने रूस के चुनाव की निंदा करते हुए कहा कि यूक्रेन के क्षेत्र में गैर कानूनी तरीके से चुनाव कराए गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि रूसी तानाशाह एक और चुनाव करा रहे हैं। नेवलनी के साथ लियोनिड वोल्कोव को लिथुआनिया में शरण लेकर रह रहे हैं। उन्हें एक हफ्ते पहले बुरी तरह हथौड़े से मारा गया था। उन्होंने इस चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पुतिन को जिस प्रतिशत में वोट मिले हैं उसका वास्तविकता से कोई ताल्लुक नहीं है। इस चुनाव ने ये तो सिद्ध कर दिया है कि आने वाले 6 साल तक रूस की सत्ता में पुतिन ही रहेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में देखना ये होगा कि रूस और पश्चिमी देशों के रिश्ते कैसे रहेंगे। क्या रूस की तकरार नाटो के देश से कम होगा कि रूस एक नए युद्ध की तरफ बढ़ेगा।